हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर श्वेता एंड आप देख रहे हैं आयुर्वेदा रिवाइव। आज मैं आपको बताने वाली हूं कोरोनिल के बारे में। कोरोनिल किट, ये जो तीन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, ये पतंजलि आयुर्वेद ने रिसेंटली लॉन्च किया है एज एन इम्यूनिटी बूस्टर। पर फिर भी कई लोगों को इसके बारे में अभी तक कई सारे डाउट्स हैं। लोगों ने मुझसे पर्सनली भी कई सवाल पूछे हैं कि हमें ये मेडिसिन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किस डोज में लेनी चाहिए, किस ड्यूरेशन में लेनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि कोरोनिल किट में जो तीन मेडिसिन हैं, श्वासारी वटी, अणु तेल और कोरोनिल टैबलेट, इनके कंटेंट्स क्या हैं, अगर हम इनको लेते हैं तो बॉडी में कैसे एक्शन करती हैं, किसको इन्हें लेना है और किसको नहीं लेना है, तो ये सब डिटेल में जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। देखते रहिए आयुर्वेदा रिवाइव। सबसे पहले हम बात करेंगे श्वासारी वटी के बारे में। श्वास, ये शब्द आयुर्वेद में ब्रोंकियल अस्थमा के लिए आया है। अगर आप इसे देखें तो इसमें पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसका एक फोटो भी बना हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सर्दी खांसी, नई हो, पुरानी हो, एक्यूट हो, क्रोनिक हो, लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो या और कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इसके लिए कॉम्बिनेशन वर्क करता है। पर ये एक रस औषधि है। अगर आप इसके कंटेंट्स देखें तो पीछे मुलैठी, कर्कट शिंगी, शुंठ, ये सब दिया हुआ है और नीचे अबरक भस्म, कपरदक भस्म, प्रवाल पिष्टी, ये सब दिया हुआ है। तो ये जो भस्म और पिष्टी हैं, ये रस औषधि होते हैं। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद में दो कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। एक होती है हर्ब्स, जो प्लांट से ली जाती हैं, और दूसरी होती हैं जो मेटल्स और मिनरल्स को प्रोसेस करके बनाया जाता है, उनको बोला जाता है रस औषधि। तो जो रस औषधि हैं वो अपने आप में एक वरदान होती हैं, पर तब जब ये इनको सही मात्रा में और सही अवधि तक ही लिया जाए। अगर आप इनका अधिक मात्रा में सेवन करें या जिसको सेवन नहीं करना है वो इनका सेवन करें, तो बॉडी में कई बार रिएक्शन भी पैदा हो सकते हैं। तो फिर से हम आते हैं श्वासारी वटी पर। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो आपको इसको नहीं लेना है। और भी अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन है या उसके सिम्टम्स हैं, तब भी आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही इसका सेवन करें। नेक्स्ट मैं बताऊंगी अणु तेल के बारे में। अणु तेल जो है एक मेडिकेटेड ऑयल है, इसे नस से या नेजल ड्रॉप जैसे लेना है। नस से जो है आयुर्वेद में पंचकर्म में से एक प्रधान कर्म माना गया है। नस के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बोला गया है नासा ही शिरसो द्वारा, यानी जो हमारे ब्रेन या सिर का द्वार है वो नोज ही है। तो ये जो नस्य कर्म होता है, ये ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत एक्टिव करता है। हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी आईज, ईयर्स, नोज, टंग, इन सबको भी बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है। नस्य के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप नस्य को अच्छे से लें तो आपके बाल हमेशा अच्छे रहेंगे, आपको रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे और आप में एजिंग भी डिलेड हो जाएगी। अणु तेल ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप प्रतिमर्श नस्य जैसे दो दो बूंद की क्वांटिटी में इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। अगर डेली इसको ऐसे यूज़ किया जाए तो डेफिनेटली ये इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाएगा, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी बचाएगा और आपके सेंसेस को भी और स्ट्रॉन्ग करेगा। और फाइनली अब हम जानेंगे कोरोनिल के बारे में। कोरोनिल के अगर हम कंटेंट्स देखें तो इसमें सिर्फ तीन ही मेन कंटेंट्स हैं। पहला है गिलोय या गुरुची, दूसरा है अश्वगंधा और तीसरा है तुलसी। गिलोय और गुरुची, ये जो है बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। डेफिनेटली अगर आप इसे किसी भी वे में उपयोग करते हैं, काढ़ा बनाकर या इसकी वटी, संशमनी वटी नाम से जो आती है, उसका सेवन करें या फिर ऐसे किसी टैबलेट फॉर्मुलेशन में आप इसे लें, तो ये बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। गिलोय के बहुत सारे फायदे हैं। ये बॉडी में इन्फेक्शन को कम करता है। कोई भी फीवर हो, इन्फेक्टिव हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, ये उसको ट्रीट कर सकता है। और ये बच्चों के लिए भी सेफ है, यानी बच्चों को भी इसे दिया जा सकता है। दूसरा कंटेंट है अश्वगंधा। अश्वगंधा का भी सेम काम है, ये इम्यूनिटी बूस्टिंग करता है, बॉडी के बल को बढ़ाता है, बॉडी के ऊर्जा बढ़ाता है। और बच्चों में तो अश्वगंधा बहुत ही अच्छा होता है। अगर बच्चों का वजन नहीं बढ़ा है तो आप दूध में शक्कर और अश्वगंधा का पाउडर मिलाकर उनको दे सकते हैं। इससे उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तीसरा जो कंटेंट है तुलसी, वो भी बहुत सेफ है। आप तुलसी के पत्ते अगर किसी भी काढ़े में या किसी भी टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो ये बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है बहुत अच्छा है और डेफिनेटली बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आप स्वस्थ हैं और इसका सेवन करें तो डेफिनेटली आपकी रोगों से रक्षा होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ है या कोरोना ही है, तो भी वो इसको ट्रीट करने में आपकी हेल्प करेगा।
तो अगर हम बात को कंक्लूड करें तो ये जो तीन मेडिसिंस हैं जो किट में आती हैं, एज अ किट ये तीनों मेडिसिन सबके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको इस किट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये श्वासारी वटी जो है ये सिर्फ बीमार जो लोग हैं उन्हीं के लिए है, और इसका डोज भी सबकी बीमारी या सबके रोग या व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग रहेगा। अणुतेल बहुत अच्छा है, सेफ है, प्रतिमर्श नस्य जैसे आप इसका उपयोग करते हैं तो डेली कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड देन फिर से आते हैं कोडोनिल टैबलेट पे, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, बच्चों के लिए और सभी के लिए सेफ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो 7 से 10 दिन तक दो दो टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं ल्यूकवॉर्म वाटर के साथ, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तो वही दो दो टैबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं 14 दिन तक, उसके बाद बंद कर दीजिए। तो आज हमने मेडिसिन रिव्यू में जाना कोडोनिल के बारे में, और इस दवाई से रिलेटेड आपको कुछ और भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहीं उसका आंसर करूंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए आयुर्वेदा रिवाइव एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।